राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में शहर के सभी शासकीय कार्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में SCM रानी बांटला ने कर्मचारियों की एकता, अखंडता, सुरक्षा की शपथ दिलाई। देर शाम को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन दलबल के साथ शहर में जागरूकता रैली लेकर निकले। सुबह पुलिस लाइन में वाहन रैली निकाली गई। SP कार्यालय में शपथ दिलाई गई। शाम को SP विवेक अग्रवाल ने पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च पुलिस लाइन, बस स्टैंड, फवारा चौक होते हुए पोला ग्राउंड पहुँचा। 30 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस को हमने छिंदवाड़ा ज़िले में एक मार्च पास्ट यहाँ आयोजित किया गया है। और हम अवगत कराना चाहेंगे कि संदर्भ में पिछले 10 दिनों में 21 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक लगातार बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता और इसके अतिरिक्त कई अन्य खेलकूद के आयोजन भी किए गए थे। अंतिम उद्देश्य इस पूरी कवायद का राष्ट्रीय एकता के सूत्र में सभी को बांधना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। आज 21 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन हम एक मार्च पास्ट के रूप में कर रहे हैं, जिसमें SAF बटालियन के पुलिस बैंड की धुन में और वर्दीधारी फोर्स और साथ ही साथ अन्य गणमान्य नागरिक और अन्य जनता के साथ हम पुलिस कंट्रोल रूम से पोला ग्राउंड तक एक मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश आपके माध्यम से भी जन जन तक पहुंचे। BCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।